फ्रैंकलिन आज मेरी बात सुन लो, अगर आज तुम्हारी एक भी कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो आज ढंग से काम करना। अरे हाँ पक्का पक्का, अब कभी कंप्लेन नहीं आएगी, कल जो हो गया वो हो गया, अब कभी कंप्लेन नहीं आएगी। तो यार मैं काम करता हूँ इस पेट्रोल पंप पर, यहाँ पे मुझे यार रोज के 100 रुपए मिलते हैं काम करने पर, जिससे मुझे खाना वाना मिल ही जाता है। तो अरे अभी यहाँ पे यार बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही थी मेरे बारे में, पर आज मैं बिल्कुल ढंग से काम करूंगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। लगता है अपने पहले कस्टमर आ चुके हैं। हेलो सर, हेलो सर, क्या चाहिए बताओ आपको? मुझे एक पानी की बोतल चाहिए। पानी की बोतल? वो तो यहाँ पे नहीं मिलती। तो क्या मिलता है? यहाँ पे तो पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल भराने आऊंगा ना, चल चुपचाप पेट्रोल भर। और यार तो बहुत ज्यादा गरीब लग रहा है, आप पहले पैसे दे दो। अरे क्या पेट्रोल से पहले पैसे, क्या पागल वगैरह क्या? अरे हाँ, अरे यार इसको बोल भी नहीं सकता भाई, इसने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे। चलो कोई बात नहीं, हाँ मैंने पेट्रोल भर दिया, फटाफट से $200 दे दो। अरे क्या $200? रुको अभी निकाल तो मेरी गाड़ी के अंदर पड़े। अब इसी कांच को फूटा हुआ है। अरे कितने हुए थे? हाँ $200। हाँ वो बाद में दे दो, बाय बाय। अरे ये तो चीटिंग है, रुक जा, अबे कहाँ जा रहा है ये? अरे मेरे $200, अबे पगले भाग गया ये तो। अबे ये कौन था बे? अबे फ्री का पेट्रोल भरा के चला गया। कितना टैंक भरा था मैंने? रुको मैं खुद को देखने तो कितना था। अरे भाई ये तो $200 था। अरे शिनचैन शिनचैन मेरी बात सुन। ए फिकी बे क्या हो गया? अबे शिनचैन वो बंदा यार $200 का पेट्रोल भरा के भाग गया वहाँ से। ए क्या फिकी बे, अब क्या हो गया? क्या $200 लेके भाग गया? अरे अरे मेरी गलती नहीं है यार, मैं तो पेट्रोल भर रहा था, फिर वो एकदम से गाड़ी बैठा और वहाँ से निकल गया। क्या तुमने नंबर प्लेट देखी थी? नंबर प्लेट? नहीं नहीं वो तो नहीं देखी थी। क्या तुम उसका चेहरा याद है? चेहरा चेहरा वो अच्छा चेहरा था। आज बहुत हो गया, आज मैं तुम्हें नौकरी से निकल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे गाइस यार ये क्या हो गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? अरे अंकल अंकल आप ये जो काम करते हो भीख मांगने का, आपको कितने पैसे मिलते हैं? बेटा रोज के 20-30 रुपए मिल जाते हैं। 20-30 रुपए? अरे यार ये तो बहुत ज्यादा कम है यार, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। रुको रुको मुझे पता है मेरे को किसके पास जाना है, अंकल के पास जाना पड़ेगा, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। अंकल अंकल अरे यार मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूँ यार, अब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अरे बेटे परसों तक तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर 2 दिन तुमने जॉब करी और क्या तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया। अरे मैं क्या करूं अंकल, मेरी गलती नहीं थी। अरे मेरी बात सुनो, मुझे पता चला है सीक्रेट के बारे में, लॉस सैंटोस की दूसरी तरफ एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे एक बहुत ही कीमती मूर्ति है, अगर इसके सामने जाकर तुम उसकी पूजा करोगे तो जो भी तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। क्या ऐसा भी होता है क्या? अरे हाँ तुम जाओ, आज पूर्णिमा की रात है, आज वो पक्का आएगी, जाओ तुम। अच्छा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, पर आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी है क्या वहाँ पे जाने के लिए? मेरे पास ये शॉपिंग कार्ट है, चाहिए तो ले जाओ। अरे फेकी बे मुझे पता है एक बस जाती है वहाँ पे, अपन को उसके पास जाना चाहिए। अच्छा ठीक है तो गाइस यार अभी एक बस जाती है लॉस सैंटोस की दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं वो मूर्ति मिलने वाली है, और ये बस भी आ गई। अरे अंकल अंकल हमें ले चलो। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों खड़े हो, कहाँ जाना है? अरे अंकल बहुत जरूरी काम से, जल्दी ले चलो। अरे बेटा रुको तो सरे, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे को कम पेट्रोल भर के दिया था। मैं? नहीं 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 मैं तो ना पेट्रोल का काम करता हूँ। अरे ये तो झूठ बोल रही है, पेट्रोल का काम करती है, अभी अभी जॉब से निकाल दिया। अरे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे कम पेट्रोल भर के दिया था। अरे पागल वागल लेके क्यों मार रहा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, साले कम पेट्रोल भर के दिया था, अभी तो लेके चल, अब तो मैं पेट्रोल का काम भी नहीं करता। एक काम करो सिंचन, इसको मैंने अभी ठिकान लगा दिया, अपन ही बस लेके चलते हैं। यही पे की आपको बस चलाना आती है? वो तो नहीं आती पर मैं सीख लूंगा। यही पे की मैं नहीं चलूंगा, पहले ऐप चला के दिखाओ। अच्छा रुक जा देखता हूँ। अरे भाई साहब इतने सारे बटन, अबे मेरे को तो ना पता था बस में इतने सारे बटन होते हैं, अबे ये चलती कैसे? चलो आगे बढ़ाते हैं। यही पे की मैं पीछे जा रही हूँ, अरे ये पीछे क्यों जा रही है? अरे रुक जा अरे ठुक गई यार ये बस तो। अरे यार ये कैसे चलाऊं, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। अरे ले सीचर आगे चलने लगी, चल सीचर बैठा रहे, ये कौन सा बटन दब गया? यही पे की मैं नहीं चलूंगा आपके साथ, मुझे डर लग रहा है। अबे बैठ बैठ तो डर मत। यही पे की फिर से ठोक दिया आपने। अरे अरे बचाओ, अरे ये कहाँ जा रही है गाड़ी, अरे मेरे को बचा लो कोई, अरे मैं तो कूद रहा हूँ, मुझे नहीं जाना इस बस में। यही पे की फिर कैसे चलेंगे? देख अंकल है नहीं, एक काम करते हैं शॉपिंग कार्ट लेके चलते हैं। यही पे की फिर चलेंगे कैसे? रुक जा मैं बताता हूँ। तो गाइस अभी हम इस शॉपिंग कार्ट में जा रहे हैं सीधा का सीधा उस मूर्ति के पास। अंकल ने बोला था पहले शॉपिंग कार्ट ले जा, पहली बात मान लेती थी, फालतू को बस चलाने की ट्राई कर रहा था। चिंचन पक्का देखो रास्ता तो पता है ना? यही पे की टेंशन मत ले, मुझे सारा रास्ता पता है। अच्छा ठीक है यार गिर गया मैं तो। यही पे की चलाना नहीं आती क्या? अबे सामने खड्डे भाई, पानी में कैसे चलाऊंगा, पागल वागल लेके, वैसे एक तो शॉपिंग का टर है फिर गिर गया। यही पे की चलना तो सीख लो। अरे यार छोड़ यार चल, तो गाइस अभी हम पैदल ही जाने वाले, हमने नीचे ही शॉपिंग कार्ट, तो फटाफट चलते हैं, हम बस बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं। अबे ये क्या है,
बचाओ मेरे को, अरे मैं झरने में बह जाऊंगा, यही विकी में मैं उधर से आता हूँ, अबे बचाओ मेरे को, अरे कहाँ गिर गया मैं, अबे एक सेकंड ये सामने तो लोग खड़े हैं यहाँ पे, और गाइस सर मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे जाना है तो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। अरे ये क्या हो गया, अबे ये कहाँ आ गया मैं, एक सेकंड ये कौन सी जगह, अबे ये समुंदर है क्या, अबे ये कहाँ आ गया मैं, रुको रुको मुझे जल्दी फटाफट से बाहर निकलना पड़ेगा, चलो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे भाई साहब अबे मैं तो झरने के वहाँ पे था, ये कहाँ आ गया, मुझे लगता है मैं सही जगह आ गया हूँ, यहाँ पे मूर्ति है क्या यार, अरे मुझे वहाँ पे मूर्ति दिख रही है, अरे मुझे मूर्ति दिख गई, अरे गाइस सर फटाफट से वहाँ पे चलते हैं, मुझे इस आइलैंड के एंड पे मूर्ति दिख रही है, अरे बस मैं बहुत ज़्यादा पास पहुँच गया, अरे आखिरकार ये मूर्ति मुझे मिल गई, मूर्ति मैं तो कितने से ढूंढ रहा था, चलो फटाफट से अब इसकी पूजा करने बैठते हैं। तो गाइस सर अभी मैं फुल मेडिटेशन करने वाला हूँ उसके सामने, मुझे यार इसकी शक्ति एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। अरे गाइस सर इस मूर्ति में से यार अलग अलग तरह की लाइटें निकल रही है, इसके पास चलते फटाफट से। Several days later. अरे सभी के सब मेरी बात सुनो, आज हमको फैंकी बे को कैसे भी करके ढूंढना है, 2 दिन हो गए हमें फैंकी बे मिली भी नहीं है, जल्दी पूरी की पूरी आइलैंड पे फैल जाओ, अरे फैंकी बे मिल गई, अरे फैंकी बे मिल गए, अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, अरे फैंकी बे उठ जाओ। अबे शिनचैन कहाँ है शिनचैन, अरे फैंकी बे ये रहा मैं, अरे आप कहाँ चले गए थे 2 दिन से, हैं 2 दिन से, अरे फैंकी बे मुझे लगता है आपकी विश पूरी हो गई, आपने जो भी मूर्ति के सामने पूजा करी थी वो पूरी हो गई है, क्या सही में, अरे फैंकी बे ये देखो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ, अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है, अरे फैंकी बे चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, क्यों अपना घर, अरे फैंकी बे और ये आप नंगे मत घूमना, आपसे अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलेंगे, सही में शिनचैन, अरे फैंकी बे सारी की सिक्योरिटी भी अपनी है, अरे भाई शिनचैन मुझे लगता है मेरी विश सही में पूरी हो गई, अरे फैंकी बे हाँ सही में पूरी हो गई, बहुत ही बढ़िया वाला घर भी मिल गया हमें, और हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, सही में अरे वो भी मैंने विश में मांगा था, गाइस सर मुझे लगता है हमारी विश यार पूरी हो चुकी है, अब हम आ चुके अपने घर पे, और सेम मैंने ऐसा ही घर मांगा था जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, और यार बिल्कुल सेम घर वैसा ही है, मुझे तो यार बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, गाइस सर क्या ये सही में सही हो रहा है, अगर ये सपना नहीं है तो एक काम करो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, फिर मैं देखूंगा अगर आपने लाइक किया होगा तो यार ये मतलब यार ये सही में सबका सब सच है, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरा घर देखो कितना ज्यादा खतरनाक है, मैंने ऐसा ही घर सोचा था कभी मैं लूंगा, पर आज मेरे पास वो घर आ चुका है, यही देखिए जल्दी चलो, अब कहाँ चला शिनचैन, यही देखिए आपको बहुत ही खतरनाक चीज दिखानी है, अच्छा चल ठीक है चल फटाफट से मैं चलाता हूँ, आप भी चलोगे ना, चलो फटाफट से बैठ जाओ, अरे हाँ मैं तो बैठ गया, तो गाइस अभी शिनचैन मुझे कुछ दिखाने चल रहा है, देखते हैं शिनचैन मुझे क्या दिखा रहा है, अरे चलो फेकी बे सीधा चलो बिल्कुल, और फिर राइट ले लो, अबे ऐसे कैसे राइट ले लो, साले हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, यही फेकी बे राइट ले रहे, अरे यार ले रहा हूँ रुक जा, अरे भाई कहाँ बैठ रहा है, तो गाइस यार ये होने वाला है हमारा नया नया घर, पर ये घर अभी थोड़ा बना नहीं है, पर मतलब ये आधे से ज्यादा बन चुका है, ये शिनचैन ने सिर्फ 2 दिन में इतना तगड़ा वाला घर बनवा लिया है, शिनचैन भाई कितने पैसे आ गए, यही फेकी बे जितने आपने मांगे थे है? सही में उतने पैसे आ गए, यही फेकी बे सही में आ गए, तो गाइस यार अब तो हमारे फुल मजे होने वाले, और हमारा ये जो नया घर है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये लोग हैं, यहाँ पे जो ये घर बना रहे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, और ये हमारा एक गैराज होने वाला है जिसमें मैं बहुत सारी सुपर कार्स रखने वाला हूँ, और ये ऊपर का एरिया यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा ऑफिस बनाएंगे, ऊपर अपना बेडरूम भी होगा, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, यहाँ पे अपना छोटा सा गार्डन है, और यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 3-3 स्विमिंग पूल भी है छोटे छोटे, मतलब बाथटब है पर बहुत ही ज्यादा तगड़े, तो शिनचैन और मैंने अभी अभी प्लान बनाया कि अभी हम जा रहे हैं लॉस एंजेलोस से बाहर थोड़ा घूमने इस अपने प्राइवेट प्लेन में, और यहाँ से हम टेक ऑफ करने वाले हैं अपनी नई नई जगह, मतलब यहाँ पे अपने घर में प्राइवेट अपना छोटा सा एयरपोर्ट है जहाँ पे अपन बहुत सारे प्लेन रख सकते हैं, और यहाँ से अपन उड़ा लेते हैं, हम जा रहे बाहर जब तक हमारा घर नहीं बन जाता हम वापस लॉस सेंटोस नहीं आने वाले, और इसी बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे, अरे देखिए मैं मजे आएंगे, तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जाना फॉलो कर लेना, और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, यही देखिए मैं कहां जा रही हूं।